अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेला समिति द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। कबड्डी प्रतियोगिता में सेमीफाइनल मैच करवाए गए, जिसमें पहला मैच साईं होस्टल बिलासपुर और स्टेट होस्टल बिलासपुर की टीम के बीच खेला गया। इस मैच में साईं होस्टल बिलासपुर की टीम विजयी रही। प्रतियोगिता के फाइनल मैच मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे। कबड्डी प्रतियोगिता की विजेता टीम को मेला समिति की ओर से 21,000 और उपविजेता टीम को 15,000 की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए जिला कबड्डी एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रधान हेम सिंह ठाकुर ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने बाहर से आए हुए खिलाड़ियों के रहने और खाने की व्यवस्था मेला समिति द्वारा की गई है। आज जो फर्स्ट सेमीफाइनल हो रहा है साई हॉस्टल बिलासपुर और स्टेट हॉस्टल बिलासपुर के बीच में हो रहा है, इसके तुरंत बाद शाम को 2:30 बजे दूसरा सेमीफाइनल होगा और कल इसका फाइनल खेला जाएगा, जिसमें जो विनर होगा उसके लिए 21,000 रूपये का प्राइज रखा गया है और जो उसका रनर अप होगा उसके लिए 15,000 रूपये का प्राइज रखा गया है। यहां तक कि जो लोग बाहर से बच्चे आए हुए हैं उनका रहने का, खाने का और उनके ठहरने का सारा इंतजाम जो है वो मेला कमेटी द्वारा वहन किया जाएगा। मेरी इन प्लेयरों के लिए शुभकामनाएं हैं और जो भी टीम जीते उसके लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में जहां सांस्कृतिक संध्याओं के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया जाता है, वहीं दिन भर इस 7 दिवसीय महोत्सव के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा मेले में आने वाले हजारों लोगों का भरपूर मनोरंजन भी किया जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसी कड़ी में इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा कई कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों की वाहवाही लूटी गई। हर दिन नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे कार्यक्रमों को देखने के लिए हर रोज दर्शकों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। 7 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान जहां बच्चों के कार्यक्रम मेले में शरीक होने से लोगों के मनोरंजन का साधन होते हैं, वहीं इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए एक सुनहरा अवसर होता है और वे अपनी कला का प्रदर्शन करने का बेहतरीन मंच इन्हें यहाँ हर साल प्रदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी में मंडी जिला के लगभग 24 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने खेलकूद प्रतियोगिता एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। ये महोत्सव स्कूली छात्रों को एक उचित मंच देता है अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए और इन्हीं बच्चों से ही आने वाले समय में अच्छे कलाकार तैयार होंगे और वो हिमाचल का नाम रोशन करेंगे। मैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव अध्यक्ष डीसी रघुवीर सिंह ठाकुर और इसकी मंडी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमें ये जिम्मेवारी दी और एलिमेंट्री के बच्चों को एक मंच प्रदान किया जिसमें कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें।